स्वामी शैलेशानंद गिरी, मेरा नाम है महायोगी सोमनाथ गिरी जी महामंडलेश्वर पलेट बाबा जी का मैं शिष्य हूँ। यहाँ पर जो आप गतिविधियाँ देख रहे हैं ये पूर्णतः भारतीय वेदांत के अनुरूप हैं। यहाँ पे योगिक क्रियाओं से ऊपर उठ करके महायोग क्रियाएँ सिखाई जाती है। जैसे योग को आप देखते हैं तो योग एक शारीरिक मापदंड रखता है, उसके ऊपर होता है ध्यान। तो ध्यान के गुरु के रूप में आज विश्व को महायोगी पलेट बाबा से बड़ा गुरु नहीं मैं मानता कि कोई हुआ होगा। हिमालयन साधुओं की श्रृंखला के अंदर, उस परंपरा के अंदर महायोगी पलेट बाबा जी, योग माता कैकवाई बाबा जी, ये ऐसे संत हैं जो किसी भी समय समाधि ले सकते हैं और अपने सूक्ष्म का विचरण करते हुए संपूर्ण अंतरिक्ष में जा सकते हैं। जी, मैं उज्जैन का कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रहा हूँ। मेरे जीवन के मैंने 27 साल उज्जैन के अंदर गुजारे हैं और 28 साल के करीब मैं बाबा जी के साथ हूँ। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बना रहा है। मैं जब क्रिकेटर था जब वो मेरे साथ थे, जब मैं एक्टर हुआ जब वो मेरे साथ थे, जब मैं राजनीति के अंदर आया तब वो मेरे साथ थे। उनका मार्गदर्शन मुझे हर पल हर क्षण मिलता रहा है। देखिए, हम सब खुद को खोजने में निकले हुए हैं। मैं आनंद की खोज में हूँ और महाआनंद की खोज में हूँ। कभी लगता है प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग आगे पीछे रहेंगे तो हम आनंदित होंगे, वो भी मिथ्या साबित होता है। फिर लगता है संपत्ति अर्जित कर लेंगे, अच्छे वाहन अच्छे मकान अर्जित कर लेंगे, वो सब मैंने अर्जित किए, उसके बाद भी वो आनंद की कमी रह गई। जब मैं बाबा जी के सानिध्य में अपनी साधनाएं जारी रख रहा था उस समय पे उन्होंने मुझे अनुभूतियां करवाई, उन अनुभूतियों से ज़्यादा आनंद मुझे कभी भी नहीं मिला। तो ये कह सकते हैं कि संन्यास का मतलब ये नहीं है पलायन करना। हाँ, हमने कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं से पलायन जरूर किया होगा, किंतु हम उन पलायन के जरिए ही वापस से समाज के अंदर अपना संदेश देना चाहते हैं और अध्यात्म के जरिए हम उनको आम जन का भी प्रदर्शन पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। ध्यान कीजिए, खुद की ओर लौटिए, बाहर बहुत चल लिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। गति दुर्गति में न बदल जाए, गति को सदगति में बदलिए और निरंतर ध्यान करते रहिए।